मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो आज का जो राइटर है हमारा वो राम नरेश त्रिपाठी है, और राम नरेश त्रिपाठी के भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार इनसे भी क्वेश्चन बने हैं। तो अच्छे राइटर हैं, द्विवेद युग में करीब करीब सारे के सारे जो राइटर हैं वो आपको पढ़ने चाहिए और लिखने चाहिए। तो मित्रों शायद आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेरी ऐसी आशा है। और बनाते रहिए साथियों, मैंने अब आपकी क्लासेस फिक्स कर दी है। एक क्लास आपकी हिंदी साहित्य की मिलेगी और एक क्लास आपकी व्याकरण की मिलेगी साथियों। तो चलिए देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी का जो जन्म है वो 1881 में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 1962 में हुई। साथियों बस इनका जन्म याद रख लेना, मृत्यु की कोई जरूरत नहीं है। इनका जन्म स्थान कहाँ पर था? कोईरीपुर, जिला जौनपुर, यूपी में। ये नहीं पूछा जाता है कि ये कहाँ के, इनका जन्म कहाँ हुआ था। बस इनके बारे में थोड़ी सी जो रचनाएं हैं इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ये प्रमुख रचनाओं में से क्वेश्चन 100% आता है साथियों, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचनाएं इनमें से कौन सी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मिलन, पथिक और स्वप्न इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना रही है। तो मेरे मित्रों आपको ऐसे भी याद रखना है कि इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना कौन कौन सी है। राम नरेश त्रिपाठी की बात कर रहा हूं साथियों में, तो कौन कौन सी है राम नरेश त्रिपाठी की प्रबंधात्मक काव्य रचनाएं? मिलन, पथिक और स्वप्न। अब मिलन के अंदर क्या बात है, और इनको क्रम से भी आप याद रख सकते हो। तो मिलन 1917 में, और पथिक 1920 में, और स्वप्न 1929 में। अब मिलन के अंदर क्या है? विदेशी शासन से देशों द्वारा भाव, देश उद्धार का भाव है। विदेशी शासन से देश उद्धार का क्या है? भाव मिलता है किसमें? मिलन इनकी जो रचना है उसके अंदर। पथिक रचना में जो 1920 ईस्वी में लिखी प्रकाशित हुई, उपनिवेशवाद के एक तंत्र से मुक्ति प्राप्त हुई, ये पथिक रचना में हम लोगों ने देखा। स्वप्न इनकी रचना थी 1929 में। साथियों 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, मिलन, पथिक, स्वप्न इनकी कौन सी रचना है? प्रबंधात्मक रचना है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, निम्न में से राम नरेश त्रिपाठी की प्रबंधात्मक रचना नहीं है। तो तीनों रचनाएं तो ये दी जाती है, और कोई दूसरी रचना राम नरेश त्रिपाठी की ही दे दी जाती है। तो मिलन, पथिक और स्वप्न। स्वप्न में पथिक मिलन मिला, स्वप्न में पथिक मिला, इस तरह से भी आप कोड वर्ड बना करके, ट्रिक लगा करके इसको याद रख सकते हो कि स्वप्न में पथिक मिला। तो मिलन, पथिक, स्वप्न इनकी रचनाएं हैं। स्वप्न रचना 1929 में लिखी प्रकाशित हुई, तो इसमें क्या बात थी? विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव, विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव इसमें देखा गया, लिखा इन्होंने, और उत्तराखंड और कश्मीर का वर्णन भी इनके द्वारा इसमें किया गया है साथियों। चले आगे बात करते हैं। अब इनकी रही है फुटकर रचनाएं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि मानसी जो है इनकी कौन सी रचना है, इनकी फुटकर रचना में कौन सी रचना आती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो फुटकर रचना जो है इनकी केवल एक ही रचना है, मानसी इनकी फुटकर रचना है, 1927 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें देशभक्ति, प्रकृति चित्रण और नीति निरूपण से संबंधित पुटकल कविताओं का संग्रह किया गया है। तो साथियों ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, 100% पता होनी चाहिए मित्रों, 100% पता होनी चाहिए, ठीक है। तो साथियों अब इनके बाद में जो है विशेष तथ्य, मैं हर बार बोलता हूँ विशेष तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। विशेष तथ्य तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देने। तो क्या है इनके विशेष तथ्य में? इनके द्वारा रचित मिलन, पथिक और स्वप्न रचनाएं काल्पनिक प्रेमाख्यान खंड काव्य की श्रेणी में आती है। इनके द्वारा जो रचनाएं थी और जिनको मैंने प्रबंधात्मक रचनाओं का नाम दिया, और फुटकल जो रचना है वो मानसी थी, उनमें से मिलन, पथिक, स्वप्न जो रचना है वो इनकी जो है काल्पनिक और प्रेमाख्यान खंड काव्य श्रेणी की रचना रखी गई है। तो मित्रों ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में इनकी बात करेंगे तो ये आती है कविता कौमुदी।
कविता कौमुदी के 8 भागों में इन्होंने बड़ी योग्यता से हिंदी, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया है साथियों। तो कविता कौमुदी किसके रचना है? राम नरेश त्रिपाठी के रचना है। इसमें 8 भागों में इन्होंने बड़ी योग्यता से हिंदी, उर्दू और बंगला और संस्कृत की कविताओं का संकलन किया है। तो ऐसी रचना जो कविता कौमुदी है, जिसमें हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत कविताओं का संकलन है। आगे बात करेंगे इन्हें साथियों, गांधी जी के द्वारा परिवर्तित असहयोग आंदोलन में जेल भी जाना पड़ा था। इनको साथियों, गांधी जी द्वारा परिवर्तित, जो गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया परिवर्तित असहयोग आंदोलन, उसमें इनको जेल भी जाना पड़ा था। तो ये बात भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, वीआईपी बात है साथियों, वीआईपी। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये कौन? राम नरेश त्रिपाठी जो है हिंदी के बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है वीआईपी, वीआईपी लगा लो इस बात को कि बाल साहित्य के साथियों ये क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर देखिए साथियों, इन्होंने कई वर्षों तक वानर या बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया था। कई वर्षों तक इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। राम नरेश त्रिपाठी तो जबरदस्त रहे हैं भाई, बहुत खतरनाक व्यक्ति रहे राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, और राम नरेश त्रिपाठी के बारे में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। बानर नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, बहुत इंपोर्टेंट है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद में स्वच्छंदता वाद का दूसरा कवि राम नरेश त्रिपाठी को ही माना है। तो स्वच्छंदता, स्वच्छंदता का जो है साथियों दूसरा कवि, दूसरा कवि राम नरेश त्रिपाठी को ही माना है। किसके बाद में माना है? श्रीधर पाठक के बाद में माना है साथियों। राम नरेश त्रिपाठी ने सरस्वती पत्रिका से प्रभावित होकर खड़ी बोली रचना, खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे थे। कौन सी पत्रिका से प्रभावित हुए थे? सरस्वती पत्रिका से प्रभावित हुए थे। ये बात आपको याद रखनी है, सरस्वती पत्रिका से प्रभावित होकर के इन्होंने खड़ी बोली में रचना प्रारंभ कर दिया था। कौन सी? खड़ी बोली में इन्होंने रचनाएं रचनाएं प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। मानसी जो है इनकी एक फुटकर कविताओं का संग्रह था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। मानसी जो रचना है ये इंपॉर्टेंट है, फुटकर कविताओं का संग्रह रहा है ये। इनको आप अच्छे से याद कर लेना मेरे मित्रों, याद कर लेना, जबरदस्त बातें हैं सारी की सारी। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, मैं इसी में लिख देता हूँ यहाँ पर, इनका एक उपन्यास वाली बात भी अपन कर लेते हैं कि इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे। उपन्यास थे साथियों इनके वीरांगना और वीरबाला और लक्ष्मी। कौन कौन से उपन्यास थे इनके? वीरांगना, वीरांगना, ठीक है, दूसरा था वीरबाला, ये इनके उपन्यास थे जो इसमें लिखे हुए नहीं। और तीसरे नंबर पर बात करते हैं वो था लक्ष्मी। तो ये वीरांगना साथियों याद रखना, इनके उपन्यास भी रहे हैं वीरांगना, वीरबाला और लक्ष्मी, ये इनके उपन्यास भी रहे हैं जो इसमें लिखे हुए नहीं थे। आप इनको याद कर लेना। इनके नाटक भी रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी ने। इनके नाटक कौन कौन से रहे हैं? पैसा परमेश्वर, ये भी आपको याद रखना है, पैसा परमेश्वर, पैसा परमेश्वर इनके नाटक हैं। दूसरा नाटक इनका रहा है सुभद्रा, सुभद्रा, सुभद्रा इनका नाटक है। और तीसरा है जयंत, ठीक है साथियों, जयंत इनका नाटक है जो 1934 में लिखा गया था। तो साथियों ये थे राम नरेश त्रिपाठी, इनके बारे में हमने बहुत कुछ जाना। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, कई वर्षों तक इन्होंने बानर नामक पत्रिका का संपादन किया। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति रही है, बहुत तगड़ी पंक्ति, प्रसिद्ध कथन भी था इनका, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। बहुत तगड़ी पंक्ति है,
पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है और ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तो याद रखना साथियों, मैंने आपको बताई ये पुटकर कविता में कौन सी, एक कविता कौमुदी में क्या है, विशेष तथ्य बहुत याद रखने वाले हैं, प्रबंधात्मक रचनाएं कौन सी हैं, ये सारे के सारे हमने राम नरेश त्रिपाठी के बारे में बात करी है। अगले राइटर आते हैं यहाँ पर 7 नंबर पर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। कौन से राइटर हैं? गया प्रसाद शुक्ल सनेही। इनका जन्म हुआ था 1883 में, गांव था हड़ड़ा, जिला उन्नाव में, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये इनमें से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी चिंता आप मत कीजिए, ये इतनी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ये चिंता करने वाली बात भी नहीं है, इसलिए घबराने वाली बात भी नहीं है। गया प्रसाद जो शुक्ल सनेही है, इनमें से इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो याद यहाँ पर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जिस राइटर को हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं उस राइटर से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, 1883 में इनका जन्म हुआ, 1972 में इनकी मृत्यु हुई साथियों, और गया प्रसाद शुक्ल सनेही जो उन्नाव जो यूपी में ही पड़ता है, यार यूपी के सबसे ज्यादा राइटर हुए हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही है वो कौन कौन सी हैं? कृषक क्रंदन, कृषक क्रंदन जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना थी, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी, ये प्रमुख रचनाएं हैं। ऐसे तो रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये इनकी बहुत तगड़ी रचनाएं रही हैं। तो प्रेम पचीसी जो इनकी रचना थी साथियों, वो रचना प्रेम पचीसी 1905 में लिखी गई है, फिर आप जमा लेना पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पर कौन सी है। साथियों, प्रेम पचीसी इनकी 1905 में लिखी गई और कृषक क्रंदन इनकी जो है 1916 में लिखी गई, ईस्वी की बात कर रहा हूँ साथियों। राष्ट्रीय वीणा जो इनकी है वो 1922 में लिखी गई, त्रिशूल तरंग इनकी 1919 में लिखी गई, इसके बाद में करुणा कादम्बनी जो रचना है साथियों, देखो कुसुमांजलि भी थी और प्रेम पचीसी भी थी, तो प्रेम पचीसी तो मैंने आपको बता दी है और करुणा कादम्बनी का मेरे को मिला नहीं है कि कब लिखी गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक और बता देता हूं मैं इनकी, राष्ट्रीय वीणा राष्ट्रीय मंत्र भी इसको कहा गया है। एक थी इनकी संजीवनी, कौन सी रचना थी? संजीवनी रचना थी, ठीक है। तो संजीवनी जो है इनकी रचना साथियों लिखी गई थी 1921 में, और कुसुमांजलि भी इनकी रचना रही है, कुसुमांजलि इनकी रचना थी साथियों, जो इनकी रचना लिखी गई थी 1915 ईस्वी में। तो ये मुख्य रचनाओं में इनकी गिनी जाती है जो आपको याद रखना है, कृष क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इतने इंपॉर्टेंट तो राइटर नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, यह श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों की कविताओं को स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं को त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे, ये बात आपको याद रखनी है। भाई देखिए, जो भी श्रृंगार आदि परंपरा से युक्त कविताएं थी उनको स्नेही उपनाम से लिखते थे, और राष्ट्रीय भावनाओं से संबंधित जो कविताएं थी उनको त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, स्नेही उपनाम किसका है या त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल उपनाम से राम स्नेही जो है, ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो है, कौन सी कविताएं लिखा करते थे? वो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं को ये लिखा करते थे। मित्रों आगे बात करते हैं, इनके द्वारा सुकवि नामक एक काव्य पत्रिका का संपादन भी किया था। तो सुकवि पत्रिका किसकी थी? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रही है मित्रों। इनकी प्रमुख पंक्ति है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, बहुत तगड़ी पंक्ति है मित्रों, और आ भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फेमस पंक्ति है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है साथियों। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही एक जो है राष्ट्रीय कवि, एक राष्ट्रीय महाकवि के रूप में भी जाने गए हैं, राष्ट्रीय महाकवि के रूप में भी इनको जाना गया है, और एक बात है इनको सुकवि के रूप में भी जाना गया है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को इसमें याद रख लेनी है मित्रों, ठीक है।
तो दूसरी बात यह है कि ये सन 1966 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें साहित्य वारिधि उपाधि प्रदान करी थी। तो साहित्य वारिधि उपाधि भी इनको दी गई, साहित्य वारिधि उपाधि भी इनको मिली थी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को। इसके बाद में साथियों इनकी रचनाएं मैंने आपको बता दी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कवि की बात सारी हो चुकी है। एक-एक कवि, एक-एक राइटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है द्विवेदी युग का। अब द्विवेदी युग के अन्य कवि कौन-कौन से रहे हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे साथियों। जो और भी कवि थे जो इम्पोर्टेंट नहीं थे लेकिन इनका नाम भी इसमें गिना जाता है। यह है राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, लाला भगवान दीन, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरधर शर्मा नवरत्न, पंडित रूप नारायण पांडे, पांडे पांडे बोलते हैं भाई इसमें, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, द्वारका प्रसाद मिश्र और प्रताप नारायण पुरोहित और केसरी सिंह बारट, अनूप शर्मा और बाबू श्याम सुंदर दास। इस तरह से ये 17 राइटर भी जो है द्विवेदी युग से संबंधित रहे हैं मित्रों। तो द्विवेदी युग में इनका भी नाम गिना जाता है। तो द्विवेदी युग में जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिए हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो याद रख लीजिए द्विवेदी युग में राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, लाला भगवान दीन, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरधर शर्मा नवरत्न और पंडित रूप नारायण पांडे और ठाकुर गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, द्वारका प्रसाद मिश्र, प्रताप नारायण पुरोहित, केसरी सिंह बारट, अनूप शर्मा और बाबू श्याम सुंदर दास। ये इनके साथियों और भी अन्य राइटर रहे हैं, कवि रहे हैं साथियों। इनके बारे में हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे और एक ही साथ इनको पूरा खत्म कर देंगे। तो वो अगले वीडियो आएगा उसमें आप तब तक के लिए जो पढ़ाया है उसको पढ़िए साथियों। साथियों आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों। आपका ही आसरा है, आपका ही सहारा है, आप लोगों का ही प्यार है जो मैं इस तरह से मेहनत कर पाता हूँ। और मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किसी भी स्टेट में कोई भी एग्जाम हो जहाँ हिंदी साहित्य का आता है वो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।